किसने बांधी है राखियां बेटा आपको? लड़कियों ने। लड़कियों ने कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल में मजा आया? नहीं, मजा क्यों आएगा? मजा नहीं आएगा क्यों? लड़कियां राखी बांधती है तो मजा नहीं आता क्या? नहीं। क्यों? धागा ही तो है। धागा है, रक्षा सूत्र होता है ये, इसको रक्षा सूत्र कहते हैं। अब आप अपनी स्कूल में सूत्र आप जब भी आप जितनी भी आपके स्कूल में फ्रेंड्स हैं आप उनकी रक्षा करोगे अब, है ना? खोलो मत इनको, रक्षा बंधन बांध के रखो। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 10th of August का और रक्षाबंधन की यहाँ पर तैयारी हो रही है। आपने देखा यहाँ पे मेरे बेटा स्कूल से राखियाँ बंधवा के आया था, तो बस उसी से मैं यहाँ पे बातें कर रही थी थोड़ा सा मेरे, और थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था। मेरे बेटे ने बताया कि मम्मा आज बॉयज़ आए नहीं थे स्कूल में, बहुत कम बॉयज़ आए थे क्योंकि राखी बांधती हैं लड़कियाँ, तो उस दिन मोस्टली लड़के छुट्टी कर लेते हैं। तो मेरे बेटे को भी बहुत 2-3 राखियाँ बांधी थी लड़कियों ने, तो वही मैं उसको समझा रही थी कि राखी का त्यौहार की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और ये शूट कर रही हूँ मैं फ्रेंड्स उसी शाम की, इवनिंग की। यहाँ पे मैंने जोत बत्ती कर दी है, हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से और वो बहुत सारी मिठाइयाँ ले आए थे। और मेहंदी लगा ली है मम्मा की, नहीं लगाई रक्षाबंधन की तैयारी। नॉट लगा दी बेटा आपने इसमें, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा ये थी। और फ्रेंड्स ये मिठाइयाँ आई थी रक्षाबंधन के लिए, लेकिन जब घर में मिठाई आती है ना तो कोई भी ऐसा नहीं होता जो मिठाई को देखकर अपने आप को खाने से कंट्रोल कर ले। और जो घेवर है स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और बच्चों को भी, और पूरे सावन के महीने में कम से कम 4-5 बार घेवर मेरे घर में आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा और बहुत ही जालीदार घेवर मेरे हस्बैंड लेके आए थे। और मोतीचूर के लड्डू के डब्बे के अंदर से 5-6 लड्डू गायब हो चुके थे और बच्चे बस खाए जा रहे हैं। तो मुझे बस ये था कि पता नहीं रक्षाबंधन का त्यौहार 2 दिन तक चले, ये लड्डू और मिठाई बचेगी भी या नहीं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बाजरा, जो हमारे कुकी एमिलिया है, हमारे बजीज, उनके लिए हस्बैंड बाजरा लेके आए थे। और यहाँ पे हस्बैंड का टिफिन निकाल के मैं धोने के लिए रख रही हूँ, मेरे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं। लड्डू बाजरा खत्म हो गया था बाजरा ना, आराम से डालो, गिरना नीचे बाबू। कौन है? बच्चों का ध्यान रखता है ये बच्चा, बच्चों का बच्चा। कुकी और अमेलिया में से कौन सबसे ज्यादा प्यारा है तुम्हें बेटा? तुम करती हो उसकी केयर? आदि करता है उसकी, उनकी केयर। और फ्रेंड्स पिछली क्लिप में मैंने थोड़ा सा लेट शूट किया, यहाँ पे 2-3 लड्डू और गायब हो चुके हैं। तो बच्चे हैं घर में तो इस तरह से चलता ही रहता है, घर में कोई चीज़ आई है खाने की तो बच्चे तो खाएंगे ही। और बस मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ आज के डिनर में मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही लौकी चने की दाल और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। और मैंने रेसिपी शूट की थी लेकिन ऐड नहीं किए क्लिप्स क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो मैंने बस यहाँ पे आपको थाली का वीडियो दिखा रही हूँ। मैंने थोड़े से लेफ्ट ओवर राइस है दोपहर के, उनको मैंने फ्राई कर लिया था और लौकी चने की दाल बनाई है, साथ में सिंपल रोटी और करौंदे की चटनी। फ्रेंड्स फेस्टिवल्स पे ऐसा होता है ना कि ऑयली फूड ज़्यादा खाया जाता है, तो उसके 1-2 दिन पहले मैं क्या करती हूँ, बहुत थोड़ा सिंपल सा ही खाना बनाती हूँ। और ये वाली क्लिप्स है नेक्स्ट डे की, यानी 11th of August को। आज के दिन भी बहुत सारे लोगों ने रक्षाबंधन बनाई और जहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घर में मिठाई आ चुकी थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर था कि जब तक गेस्ट आएंगे तो ये मिठाई गायब हो जाएंगी या फिर कम हो जाएंगी। तो सर्विंग के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिठाई मुझे बनानी थी, तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ आज बेसन की बर्फ़ी। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1.5 कप बेसन और उसको मैंने छान लिया है। और अगर मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर 2 कप आप बेसन ले रहे हैं तो बिल्कुल उसका हाफ यानी कि 1 कप हमें लेना है घी। मैंने यहाँ पे मेज़र किया था एक छोटे से बाउल से, तो मैंने करीब करीब 1.5 बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे बेसन लिया था और 1 बाउल मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे चाशनी बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ, तो 1 पूरा बाउल भर के जिससे मैंने बेसन लिया था वही बाउल भर के मैं यहाँ पे शुगर ले रही हूँ, इससे बनाऊँगी मैं चाशनी। तो मैंने दूसरे वाले गैस पे जो बाउल रखा है उसमें मैं चाशनी बना रही हूँ, तो थोड़ा सा आधा कटोरी पानी ऐड करके वहाँ पे चाशनी बनने के लिए रख दी है।
तो जब तक हमारी चाशनी बनती है हम इस वाली कढ़ाई में भून लेते हैं बेसन। इसमें मैंने डाल दिया था घी और बस इसके अंदर बेसन ऐड करके इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे भूनना है बिल्कुल। और इसको भूनते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि इसका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना है। तो ये जो हल्का हल्का येलोइश कलर है तो इसको हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। अगर इसका ब्राउन कर देंगे हम तो इसकी जो मिठाई का जो टेक्स्चर है कलर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारी चाशनी भी हम चेक कर रहे हैं। और फ्रेंड्स जब चाशनी बना रहे तो वो एक तार की चाशनी बना रहे हैं। साथ ही साथ मैं बेसन को भूनते हुए इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर। और मैंने 2 चम्मच चीनी ले ली थी, उसके अंदर 5-6 इलायची साथ में डाल के पीस ली थी। तो बिल्कुल फाइन इलायची इससे पीस जाती है। और उसका जो ये लेफ्ट ओवर छिलका बचता है इसको हम यूज़ कर लेंगे चाय बनाने के लिए। तो इसको मैं चाय में डाल दूंगी या फिर चीनी के अंदर डाल दूंगी। तो फिर जब हम चाय बनाएंगे तो उसके अंदर इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। और इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने थोड़ा सा कलर, बिल्कुल लेमन येलो कलर, ताकि इसका कलर अच्छा है। और मेरे पास केसर नहीं होता है फ्रेंड्स, मेरे घर में केसर बहुत कम आता है, तो आप इसके अंदर इसकी जगह ऐड कर सकते हैं केसर। और अब हमारी यहाँ पर चाशनी भी बनके बिल्कुल तैयार है। तो आप देखें यहाँ पर, अगर अच्छे से कैमरे में दिख रहा है तो यहाँ पर एक तार की चाशनी बनानी है, बहुत ज़्यादा थिक चाशनी नहीं बनानी है हमें इसकी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए थे। और ड्राई फ्रूट्स में कट किए हैं मैंने बादाम, थोड़े से खरबूजे के बीज हैं और कुछ पिस्ता भी ऐड किए हैं। आप चाहे तो अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे खाली पिस्ते से भी सजा सकते हैं या फिर खाली बादाम से भी। और बस इसको मिठाई को जमाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक मिठाई के बॉक्स का, जो घेवर का ही डब्बा रखा हुआ था मेरे पास। और उसमें मैंने बटर पेपर अच्छे से सेट कर लिया है। और उसके बाद मैं इसी के अंदर आज मैं बेसन की बर्फ़ी जमाऊँगी। मैं यहाँ पे दोबारा इसलिए तार दिखा रही थी क्योंकि रखे रखे थोड़ी सी ठंडी हो गई थी चाशनी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। तो दोबारा से मैंने तार चेक किया, बस इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं ये अब चाशनी। और बेसन में चाशनी ऐड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि गैस बिल्कुल मैंने बंद कर दी थी, चाशनी भी बहुत ज़्यादा उबलती भी नहीं थी और ना ही बेसन बहुत ज़्यादा गर्म था। तो धीरे धीरे मैंने इसमें ऐड कर दिया चाशनी और इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए गाढ़ा करना है। और फ्रेंड्स ये इस तरह की बर्फ़ी है जो आप इंस्टेंटली जाके किसी भी पर अगर आपको जल्दी से बनानी हो तो आप बना सकते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यूसली चलाते हुए हमारा जो बेसन है वो भी गाढ़ा हो गया है। और यहाँ पे मैं जब इसको पलट रही थी तो कढ़ाई काफ़ी गर्म थी और दोनों साइड से उसको पकड़ना था, तो मैं अपने बेटे की हेल्प ले रही थी, तो अच्छे से पोर नहीं कर पा रहा है वो। और हम बस इस तरह से फटाफट से इसको डाल के जमाने के लिए इसको रख देना है। बस मैंने इसमें डब्बे के अंदर ये वाला मिक्सचर है जो ये पोर किया। यहाँ पर एक गलती हुई है फ्रेंड्स मुझसे बनाने में, मैंने इसको चलाते चलाते बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लिया था। तो बाद में मैं दिखाऊंगी इसमें क्या गलती हुई और उसका क्या रिज़ल्ट निकला है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मिस्टेक भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिठाई मैं इस तरह की नहीं बनाती हूँ, लेकिन YouTube से मैं सीखती रहती हूँ। और इस बारी मेरी ये जो मिठाई थी बहुत अच्छी बनी थी फ्रेंड्स, सच में सभी जितने भी गेस्ट घर में आए जिसने भी खाई उन सबको बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स शेयर करती हूँ मैं मेरी मिस्टेक। मैंने इसको जो ये मिक्सचर था बेसन का इसको चलाते चलाते बहुत गाढ़ा कर लिया था। तो जब मैंने इसके अंदर इसको पोर किया और मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ तो ये इसके ऊपर चिपक नहीं रहते। अगर मैं इस मिक्सचर को थोड़ा सा कम गाढ़ा रखती तो इसके ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे से चिपक जाते, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये डर था कि मैं जो जिसमें ये फैला रही हूँ मिक्सचर, अगर ये बहेगा तो ये अच्छे से सेट नहीं होगा ना। और फ्रेंड्स अगर आपके पास इस तरह का कोई मोल्ड हो स्क्वायर तो आप उसमें ईजिली इसको पोर कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं होती बहने की और अच्छे से आपकी बर्फ़ी जम जाएगी। वेल अभी मैं शेयर करूंगी मेरी बर्फ़ी कैसी बनी है, तब तक आप देख लीजिए। मेरी नंदों ने यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए राखी भेजी है और ये वाला जो मग मैंने आपको दिखाया था ये मैं एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मग है। एक साइड पर लिटिल ब्रदर लिखा है, एक साइड पर बिग ब्रदर लिखा है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड है वो राखियाँ खोल के देख रहे हैं, क्योंकि जो मेरी नंदों ने जो राखियाँ भेजी थी तो वो कह रहे थे जल्दी से फ़ोटो खींच के भेजो कि राखियाँ कैसी रिसीव हुई हैं। और फ्रेंड्स आजकल के बिजी शेड्यूल में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सब लोग हर त्यौहार पे एक दूसरे के पास पहुंच जाएं, तो ये जो ऑनलाइन वाली जो सिस्टम चला है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और फ्रेंड्स मैं तो ये मानती हूँ अगर आप अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं, अपना टोकन ऑफ लव किसी को भेजना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी भेज सकते हैं। तो वेल देख लीजिए यहाँ पर जो मिठाई है वो किस तरह की बनी है। यहाँ पर ये थोड़ी सी टाइट हो गई थी लेकिन इसको 1 घंटे में ये अच्छे से जम गई थी, तो मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। थोड़ा बहुत इसमें कुछ साइड के पीसेस टूटे भी थे और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स किस तरह से यहाँ पे झड़ रहे हैं, ये अच्छे से चिपके नहीं थे। बस एक यही मिस्टेक हुई थी जो मेरी मिठाई बनने में हुई, बाकी जो है टेस्ट इसका ऑसम था। और मैंने यहाँ पे आपको तोड़ के दिखाया, आप अंदर से देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर है इस मिठाई का।
तो फ्रेंड्स ये मिठाई आप किसी फेस्टिवल पर बिना किसी तामझाम और बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। फ्रेंड्स 11 और 12 दोनों दिन थी रक्षाबंधन, कमेंट करके बताइएगा आपने रक्षाबंधन कब मनाई। मैंने रक्षाबंधन मनाया था 12th ऑफ अगस्त को, जिसका ब्लॉग आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ आ गए हैं हम इस ब्लॉग के एंड पर। और इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।